बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बात यह कि वैलेंटाइंस डे जो है ना, ये इस वक्त इट्स ए क्रिश्चियन हॉलिडे, यू कैन कॉल इट, और सॉर्ट ऑफ ए सो कॉल्ड कैथोलिक क्रिश्चियन डे। एक्चुअली हुआ ये कि वैलेंटाइन, समझने के लिए ना, आपने लफ्ज सुना होगा क्रिश्चियनिटी के अंदर, सेंट क्या होता है। सेंट से मुराद समझ लें, जैसे हमारे यहाँ शेख होता है ना, सेंट, शेख, शेख, इमाम। फ़र्क ये है कि ईसाइत में, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा फ़िरका है और सब पुराने फ़िरकों में से एक है, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थी ना, रोमन किंगडम, जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई ना, बादशाह जो थे वो दाखिल हुए, तीसरी चौथी सदी के अंदर आना शुरू हुए क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो उस वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी को कहा जाता है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। तो जो रोमी लोगों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द रोम इन इटली, रोमन एम्पायर, द रोमन किंगडम, their adopted version of Christianity is called Roman Catholic Christianity. और Roman Catholic Christianity के अंदर, जो कि तकरीबन 55% of the Christian world है, यानी 3 billion है दुनिया में क्रिश्चन लोग, उनका हाफ से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 billion के करीब कह लें, यानी ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के करीब करीब कैथलिक्स हैं। आपका जनूबी अमरीका, साउथ अमेरिका, इवन मैक्सिको, अमेरिका के जो नेबर्स में, अमेरिका में भी हैं कैथोलिक्स बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा इन रियासतों में, जनूबी अमरीका और वो, और अब ईस्टर्न वर्ल्ड में, जी हाँ, मशरक़ी दुनिया में, अफ्रीका में, इन जगहों पर भी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी फैली है बहुत ज़्यादा। प्रोटेस्टेंट भी बहुत फैल रहे हैं। तो बहरहाल प्रोटेस्टेंट फ़िरका दूसरे नंबर पर है, ऑलमोस्ट नाउ ऑल्सो 40% और 50% के करीब है। बाकी बीच में 10-15% सारे जो हैं वो डिफरेंट फ़िरके हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के, जो क्लेम करते हैं कि वो सबसे पुराने हैं, वो कैथोलिक से भी पहले के हैं, वो करीब तर अपने आप को क्लेम करते हैं, ओरिजिनल क्लेम करते हैं ईसा अलैहि सलाम के। अच्छा, इनमें एक डिपार्टमेंट, जैसे प्रीस्ट होता है ना ईसाइयों में, कैथोलिक ईसाइयों में प्रीस्ट होता है, प्रोटेस्टेंट में होता है पास्टर होता है, इसी तरह इनमें एक होता है सेंट। सेंट वो शख्सियत होती है जिसको ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा होली, मुकद्दस, मुबारक शख्सियत, और ये जन्नत में जाने वाली शख्सियत, जन्नत में जा चुकी है। मसलन हाल ही में कैथोलिक चर्च ने एक, मेरा ख्याल है वंस इन द ब्लू मून हुआ है, पहली बार ही शायद हुआ है, मदर टेरेसा, सब लोग इंडिया पाकिस्तान के लोग उन्हें जानते हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन काम की वजह से, मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा दिया उनके मरने के बाद, कि वो सेंट थी, यानी वो एक जन्नती खातून थी, वो एक बहुत बड़ी पहुंची हुई शख्सियत थी। बहरहाल ये जी, तो सेंट इज़ एन अथॉरिटी इन क्रिश्चियनिटी, सेंट बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है। समझें, पोप के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा रेवरेंस मिलती है या ऑलमोस्ट पूजने तक उसका मकाम आ जाता है, वो सेंट का कहला है। वैलेंटाइन के नाम से, तो ये जो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वैलेंटाइंस डे असल में है क्या, कहाँ से आया। वैलेंटाइन के नाम से क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर, कैथोलिक क्रिश्चियन हिस्ट्री में 3 लोग पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो दो बंदे शुरू में है, बिल्कुल 275 और 300 उसके इरा के बीच में, जब क्रिश्चियनिटी बिल्कुल ये रोमन कैथोलिक अभी इस्टेब्लिश कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि 325 काउंसिल ऑफ नाइसिया में ही इन्होंने ऑफिशियल डॉक्ट्रिन और ये सब चीज़ें अपनाई ना, तो वहाँ पे हैं। फिर एक बंदा बाद में भी आता है, चौथी या पाँचवीं सदी के अंदर। बहरहाल इन तीनों बंदों के साथ जो चीज़ें अफिलिएटेड है ना, वो बड़ी शर्मनाक है, सीधी सीधी मैं बात बताऊँ। कहानी जो है ना, ये खुद बताते हैं। अच्छा, मैं इसके आपको ना रेफरेंसेस दे दूंगा ताकि आप उनके अपने मुंह से सुन लें इन्होंने क्या किया। इस पर मेरी एक तफसीली ऑडियो भी थी 12-13 मिनट की, मैं इसको इसलिए बिल्कुल मुख्तसरन बताऊंगा। इन्होंने क्या किया कि इनके मुताबिक पहले तो इन्होंने इस ऑफिशियल दिन को अपने कैलेंडर से, जो उनका लिटर्जिकल कैलेंडर होता है, उससे निकाल दिया हुआ था, जिक्र नहीं करते थे। बाद में फिर क्या किया कि अच्छा नहीं, उनका वो एक बड़ा नेक आदमी था, शेख वैलेंटाइन साहब,
या जैसे समझ लें आपके इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्ग लोग, बाबा लोग जो फौत हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेफरेंस दी जाती है ना, लोग उनके बारे में ईमान अकीदा रखते हैं कि वो सभी के सभी जन्नत में हैं, लोग रखते हैं ना ये अकीदा। तो समझ लें ये कैथलिक्स में सेंट्स का भी यही हिसाब है। तो इन्होंने उसको पहले छुपाया, जी हाँ, निकाल दिया हुआ था, ऑफिशियल कैलेंडर में रखा ही नहीं हुआ था इसका जिक्र, फिर बाद में दोबारा डाल दिया, दोबारा डाला। ये फरवरी 13 से फरवरी 15 के बीच में समझ लें अय्याम ज़िना थे, ये जो रोमन कैथलिक लोग थे जब ये क्रिश्चियन भी हो गए, इन दिनों बेतहाशा बदकारियाँ होती थी, बेतहाशा बदकारियाँ, इसको कहते थे फेस्टिवल ऑफ लुपरसेलिया, और औरतों की इतनी तजलील होती थी। मैं आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ के बताऊँगा, ये मैं आपको पूरे सोर्सेज दे दूँगा, नेशनल पब्लिक रेडियो ऑफ अमेरिका ने और उनका जो ऑफिशियल न्यूज़, इट्स ए वन ऑफ द ऑफिशियल वेरी पावरफुल न्यूज़ आउटलेट जो अमेरिकन पब्लिक तो सुनती है, और उस पर आर्टिकल मौजूद है, द डार्क ओरिजिन्स ऑफ वैलेंटाइंस डे, ये मैं पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला इधर डिस्क्रिप्शन में, जब क्लिप बनेगा उसमें भी ये डाल देंगे। साफ जी सर ये खुद लिख रहे हैं, हम नहीं गोरे लिख रहे हैं, कि ये रोमन्स क्या करते थे इन दिनों, ख़वातीन जो हैं उन पहले ये एक गाय या गोट या जो भी इसको एनिमल को ज़िबा करते थे, फिर उसके जो वो है ना उसकी दुम या उसके खाल का कुछ हिस्सा लेके औरतों को, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग टू मेंशन, ड्रंक हो जाते थे पहले तो, और बिल्कुल बेलिबास, और ये करके इन्होंने जो ना ख़वातीन को उससे मारा जाता था, एक रस्मी रस्म थी कोई, औरतों के साथ किया जाता था, और फिर उसके बाद ओपन मतलब बदकारी की इजाज़त भी थी उन्हीं औरतों के साथ, ये सारा कुछ होता था। तो ये वैलेंटाइन बाबा जी जो है ना, इनका तذکرہ भी इन्हीं इसी टाइम में आता है, ये जो थे बुज़ुर्ग इनके, इन बाबा जी को लोगों ने कहा कि ये जो वैलेंटाइन साहब हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं निकाह करो, शादियां करो, शादियां, मैं शादियां करवाऊंगा, ये इन्होंने मिक्सअप की भी असल में कहानी। तो बहरहाल उसने बादशाह जो था उस वक्त का एम्परर क्लैडियस था, मेरा ख्याल क्लैडियस द सेकेंड, उसके टाइम में वैलेंटाइन बाबा जी जो थे उन्होंने बादशाह के किसी एक्शन के ख़िलाफ़ कुछ किया, या उनकी करतूतें अपनी ठीक नहीं थी, जो भी था उनको जेल में डाल दिया गया। ये क्रिश्चियन हिस्ट्री में मैं आपको 4-5 वर्जन्स जो है ना, मीठे मीठे भी और कड़वे कड़वे सारे मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है, उनको जेल में डाल दिया। अब वो बाबा जी जो हैं जिनको आजकल सेंट ये लोग कहते हैं, सेंट वैलेंटाइंस डे, यानी बाबा इमाम शेख आऊज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं तंजन इमाम बोल रहा हूँ, यानी उनका इमाम, उनके बाबा, ये बाबा वैलेंटाइन का उर्स, उनका दिन, ये उनका दिन है। क्या हुआ जी, इन्होंने वहाँ जेलर की छोटी सी कोई बच्ची थी उसके साथ कुछ कार्रवाई कर दी, फिर इनको फांसी दी गई और इनको कत्ल कर दिया गया। 3 बंदे वैलेंटाइन के नाम से इनकी अपनी हिस्ट्री में, जिनमें से 2 को कत्ल किया गया, फांसियाँ दी गई हैं ऑफिशियल लेवल पर, जेलर की बेटी के साथ, बताया छोटी सी बच्ची, एक पीडोफीलिया यार उस दिन हुआ है, नाउज़ बिल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, उस दिन को दुनिया यौम मोहब्बत मना रही, बदकारी अयाशी फहाशी का ये दिन है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दिन को जिस लेवल पे मुसलमान मना रहे हैं, अब मैं इस पर आ जाऊँ ज़रा, हिस्ट्री आपने समझ ली, वैलेंटाइंस डे,